भगवती नमो नमः कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः महाराज, मैं आपकी पुत्री चित्रांगदा से विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन के प्रस्ताव पर राजा चित्रवाहक चिंतित दिखाई देते हैं। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि मुझसे एवं चित्रांगदा से जो भी संतान पैदा होगी वही इस राज्य का महाराज होगा। मोहिनी सही कह रही है, अर्जुन ने यह विवाह परिवार एवं राज्य के कल्याण के लिए ही किया है। भविष्य में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होगा। पुत्री द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ है। वो एक विशेष एवं सशक्त नारी है। पुत्री, तुम एक विदुषी हो और अपेक्षा करता हूं कि तुम अपने पति के उद्देश्य को भली भांति समझ पाओगी। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। नारायण नारायण। राजकुमारी, हम रात का भोजन बनाएं? द्रौपदी, नारद देव सब कुछ व्यक्त कर चुके हैं, अतः आप स्वयं को कष्ट देने का क्या अर्थ? हम आपकी वेदना समझते हैं, किंतु वेदना को रखने से वेदना में वृद्धि होती है। द्रौपदी, जिस कार्य को करने का कोई औचित्य नहीं, उस कार्य को करने का क्या लाभ? अतः आप इसी क्षण इस संन्यास जीवन का त्याग कीजिए। अर्जुन अपने उद्देश्य के लिए विवाह कर रहे हैं, अतः आपके सन्यासिनी बने रहने का क्या औचित्य? अर्जुन के अतिरिक्त आपके चार पति हैं, आप इस देश की महारानी हैं, सुख और विलास आपके चरणों में है, एवं जीवन का आनंद लीजिए, एवं सन्यास जीवन की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
मोहिनी, अर्जुन को उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो करना है वो कर। यदि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए हमें भी सम्मिलित किया होता तो हम आनंद पूर्वक स्वेच्छा से उनका साथ देते, किंतु दुर्भाग्य कि अर्जुन ने ये सब अकेले करने का निर्णय लिया। हमने भी एक निर्णय किया था एवं हमारा निर्णय हमारी सुविधा के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। हमने निर्णय किया था कि ये वर्ष अर्जुन की पत्नी के रूप में सन्यासी जीवन व्यतीत करें। अब यदि अर्जुन विवाह कर रहे हैं तो करते रहे, किंतु हम उनकी पत्नी के रूप में ये वर्ष उन्हें समर्पित करते हुए सन्यासिनी का ही जीवन व्यतीत करें। नर्तकी अभी राजमहल में है या अपने आवास चली गई? यह असत्य है द्रौपदी। तो आपने कभी हमसे मिलने का अथवा हमारा समाचार लेने का प्रयत्न क्यों नहीं किया?
भाग्यवती भव। द्रौपदी पुत्री, तुम्हारा अर्जुन के साथ का संन्यास वर्ष समाप्त हुआ। तुम हमारे साथ राजमहल चले। राजकुमारी, अब आपका युवराज नकुल के साथ दाम्पत्य वर्ष आरंभ होगा। राजकुमारी, ऐसे तो आप सर्वदा उत्तम दिखती हैं, किंतु रानी का रूप आप पर सबसे अधिक भाता है। क्या बात है, आप क्लांत क्यों लग रही हैं? विराजो, नर्तकी अभी राजमहल में है या अपने आवास चली गई? यह असत्य है द्रौपदी। तो आपने कभी हमसे मिलने का अथवा हमारा समाचार लेने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? तुम हमें दोष देती होगी, हम पर क्रोधित होती होगी कि माता ने हमें किस भवर, किस विकट परिस्थिति में डाल दिया है। माता, हम ऐसा कदापि नहीं सोचते। हम आपका सम्मान करते हैं माता, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, किंतु हम एक माता एवं राजमाता के अतिरिक्त एक स्त्री है, एवं एक स्त्री होने के नाते हम तुम्हारे व्यथा को भली भांति अनुभव कर सकते हैं। एक पति के मान, अभिमान, क्रोध, अहंकार एवं स्नेह से सामंजस्य बिठाना कितना कठिन होता है, किंतु तुम तो पांच पतियों के लिए कार्य कर रही हो।
इंद्रप्रस्थ की रानी होकर भी तुमने अभाव्रस्त संन्यास जीवन व्यतीत किया। राजमहल के सुख सुविधा एवं वैभवता को त्याग कर तुम कुटिया में रही, मिट्टी के पात्र में भोजन किया, भूमि में सोई। क्या ये सब हमें दिखाई नहीं देता? माता, हर स्त्री का अपना एक भाग्य होता है एवं सबके भाग्य में सुख दुख होता है। यदि आज हमें अर्जुन के लिए कुटिया में सन्यास जीवन व्यतीत करना पड़ा, तो कल जब अर्जुन लौट के आएंगे तो अपने साथ हमारे लिए सुखद क्षण एवं स्नेह की निर्मल छाया भी लाएंगे। ये सब तो जीवन का एक अंग है माता। तुम विदुषी हो, जीवन का अर्थ समझती हो, किंतु हम तुमसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। आने वाले युगों में तुम्हें लेकर कई प्रश्न उठेंगे। हो सकता है तुम पर हास परिहास भी हो, किंतु पांच पतियों के प्रति कर्तव्य एवं मर्यादा निभाने में तुमने जो त्याग, तपस्या एवं संघर्ष किया है, उसकी तुलना अतुल्य है। लोग तुम पर प्रश्न कर सकते हैं, तुम पर हास परिहास कर सकते हैं, किंतु मर्यादा में तुम्हारी भूमिका में उतरना हमें प्रतीत नहीं होता कि ये कार्य कोई और कर सकता है। तुम अद्वितीय हो। मर्यादा के मार्ग पर हमेशा जीवन पर चलती रहो, हमारा यही आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां मिले। द्रौपदी, नर्तकी अब भी राजमहल में है या अपने आवास चली गई? तुम्हें नर्तिका के बारे में ज्ञात है? आप भूल रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं। क्या कहें द्रौपदी, तुम्हारे वियोग की पीड़ा हमसे सही नहीं जाती थी, इसलिए यदा कदा नृत्य देख लिया करते थे। झूठे, आप हमसे अधिक
उस नर्तकी एवं अपने अश्व से प्रेम करते हैं। यह असत्य है द्रौपदी। यदि यह असत्य है तो आपने कभी हमसे मिलने का अथवा हमारा समाचार लेने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? हमने तो जब भी आपके बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि आप नर्तकी के साथ व्यस्त हैं अथवा अपने अश्व के साथ। तो क्या चाहती हो? नर्तकी को देश निकाला दे दूं अथवा घोड़ों को तुम्हारे मायके भिजवा दूं? दाम्पत्य वर्ष के प्रथम दिन ही हमें राज्य कार्य से बाहर जाना पड़ता है। हम सत्य कह रहे हैं द्रौपदी। महाराज युधिष्ठिर एवं माता कुंती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। युधिष्ठिर कह रहे थे कि राज्य के कार्य से नकुल को जाना था, किंतु अंतिम क्षण में नकुल को रोककर सहदेव स्वयं चले गए। राजकुमारी युवराज सहदेव वापस लौट आए हैं।